सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 5 अप्रैल 2023, और 5 अप्रैल 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज हम पढ़ेंगे इसमें भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास कोप इंडिया का आयोजन करेगी, और मियामी ओपन 2023 के अंदर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, और भारतवंशी अमेरिकी प्रोफेसर को यूरोलॉजिस्टिक्स अवार्ड मिला है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको 6 बजे मेरी लाइव क्लास मिलती है शानदार तरीके से, और लगभग आपको डेली आपको रूटीन के साथ मात्र 15 मिनट की आपको डेली लाइव क्लास मिलती है। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके पास रहे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। भारतीय नौसेना के नए वाइस चीफ के तौर पर कार्यभार किसने संभाला है? तो भारतीय नौसेना के नए वाइस चीफ यानी कि उप प्रमुख बने हैं कौन है? संजय जसजीत सिंह है, ये बन चुके हैं। कौन सी टेनिस खिलाड़ी महिला पहली बार मियामी ओपन चैंपियन बनी है? तो महिला के अंदर आपसे पूछे तो नाम आएगा पेत्रा क्वितोरा, और पुरुषों के अंदर आज हम चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? तो ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश, और दिल्ली के बीच में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास सिनलेक्स 2023 आयोजित हुआ? ये हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। किस संगठन ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया? ये किया है इसरो ने। भारत और कौन सा देश अब भारतीय रुपए में व्यापार कर सकते हैं? तो ये भारत और मलेशिया। मार्च 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह 13% से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो गया? तो ये 1.60 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। और किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर का 88 साल में निधन हो चुका है? और वो है सलीम दुर्रानी। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देखिए पहला प्रश्न, हाल ही में शिनू जावर को किस राज्य की इंडस एंटरप्रेनर्स की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? हाल ही में इनका नाम है शिनू जावर, इनको किस राज्य की इंडस एंटरप्रेनर्स की पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी है? ये देखो तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये है इनका नाम है शिनू जावर, और ये राजस्थान के अंदर आपको पता है इंडस एंटरप्रेनर्स की पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी है। तो ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है किस राज्य में? राजस्थान में। अब देखो पूरी डिटेल इसकी। इंडस एंटरप्रेनर्स यानी कि TII राजस्थान ने डॉक्टर शिनू जावर को 2 वर्षीय अवधि के लिए नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो ये 2023 से लेकर 2025 तक यानी कि 2 साल की अवधि के लिए नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया। डॉक्टर जावर TII राजस्थान के 21 वर्षीय इतिहास में इस पद को संभालने वाली पहली महिला ये बन चुकी है। अब ये इंडस या एंटरप्रेनर्स यानी कि TII ये होता क्या है? ये टाई राजस्थान टाई ग्लोबल का एक अध्याय है, और ये 2021 में इसे सर्वश्रेष्ठ अध्याय के रूप में उपलब्धि प्राप्त हुई थी। तो ये एक प्रकार से एक संगठन होता है, यानी कि एक टाई ग्लोबल का ये एक अध्याय होता है। ये उनकी अध्यक्ष बनी है, कौन है? डॉक्टर शिनू जावर, किस राज्य में? राजस्थान के अंदर, और 2 वर्षीय अवधि के लिए इनको नियुक्त किया गया है। दूसरा प्रश्न, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास कोप इंडिया का आयोजन किस राज्य में करेगी? तो भारत और अमेरिका के बीच में एक संयुक्त युद्धाभ्यास जिसका नाम है कोप इंडिया, और ये इसका आयोजन करने जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर आयोजन करने जा रही है। ये आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, अमेरिका की तरफ से आपको बताया युद्धाभ्यास के अंदर F-15 इसमें जो लड़ाकू विमान भाग लेगा, और भारत के अंदर इसमें भारत की तरफ से Sukhoi-30 इसमें लड़ाकू विमान है भाग लेगा। तो ये दोनों के नाम भी आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, कई बार एग्जाम के अंदर इनके नाम भी आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखो मुख्य तथ्य, भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 अप्रैल से बंगाल के यानी कि क्लाईकुंडा एयरबेस पर युद्ध अभ्यास करेगी।
इस अभ्यास को ऑफ इंडिया नाम दिया गया है। ठीक है, ठीक है, कोप इंडिया, ठीक है, ध्यान देना, इस अभ्यास को क्या नाम दिया गया, कोप इंडिया नाम दिया गया है। अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान F-15 और भारतीय वायुसेना का Sukhoi-30 और अन्य लड़ाकू विमान इसमें शामिल हो गए। और पहली बार कोप इंडिया अभ्यास वर्ष 2004 के अंदर ग्वालियर में इसका आयोजन किया गया था। तो ये शानदार पॉइंट है आपके लिए, पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो 10 अप्रैल से बंगाल के अंदर कलाईकुंडा एयरबेस पर भारत और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया नाम जो अभ्यास युद्ध अभ्यास है किया जाएगा। अगला प्रश्न, मियामी ओपन 2023 में पुरुष साइकिल का खिताब किसने जीता है। मियामी ओपन 2023 के अंदर पुरुष साइकिल का खिताब जीता, तो कल मैंने आपको महिला के बारे में बता दिया, आज अपने पुरुषों की चर्चा करें। तो इसमें डेनियल मेदवेदेव ने क्या है, मियामी ओपन 2023 के अंदर पुरुष साइकिल का खिताब जीता है। तो ये आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है डेनियल मेदवेदेव और इन्होंने मियामी ओपन 2023 में पुरुष साइकिल का खिताब जीता है। देखो, रूसी टेनिस स्टार दानिल मेदवेदेव ने मायमी यानी कि मियामी ओपन 2023 के अंदर जेनिक सिनर को हराकर इस साल अपना चौथा खिताब जीता है। ठीक है, जेनिक सिनर को हराकर इस साल का इन्होंने चौथा खिताब जीता है। मेदवेदेव जो दुनिया में शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी हैं और मियामी ओपन एक पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट है जो हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के मायमा गार्डन्स में यानी कि गार्डन्स में इसका आयोजन किया जाता है। मियामी ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट है जो हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और अब की बार आपको बताया डैनियल यानी कि डेनियल मेदवेदेव ने किसको हराया, जेनिक सिनर को हराकर ये अपना चौथा खिताब जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता, ये जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। किसने जीता है, मैक्स वेस्टापेन ने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। देखो, रेड बुल के मैक्स वेस्टापेन ने अपना पहला ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। किसने, रेड बुल के हैं मैक्स वेस्टापेन, इन्होंने अपना पहला ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता। और ये 7 बार विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन जो अपनी मर्सिडीज में शानदार ढंग से गाड़ी चला रहे उनका दूसरा स्थान पर रहे हैं। ठीक है, 7 बार के विश्व चैंपियनशिप थे कौन है, लुइस हैमिल्टन, और ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। और जो पहला स्थान है वो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया, मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। अगला प्रश्न, किस भारतवंशी अमेरिकी प्रोफेसर को यूरोलॉजिस्टिक्स अवार्ड मिला है। कौन से ऐसे भारतवंशी अमेरिकी प्रोफेसर है जिनको यूरोलॉजिस्टिक्स अवार्ड मिला, और उनका नाम है नित्या अब्राहम, ऑप्शन नंबर सी। क्या नाम है इनका, नित्या अब्राहम इनका नाम है और ये भारतवंशी अमेरिकी प्रोफेसर है, इनको यूरोलॉजिस्टिक्स अवार्ड मिला है। देखो, न्यूयॉर्क स्थित अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में एक भारतवंशी अमेरिकी एसोसिएट प्रोफेसर नित्या अब्राहम को फेलो युवा यूरोलॉजिस्टिक्स के विकास में प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया है। और ये सम्मानित होने वाले प्रोफेसर मेटिफ्योर यूरोलॉजी रेजिडेंस प्रोग्राम की कार्यक्रम की ये निदेशक रह चुके हैं। ये आपको याद रखना है कि नित्या अब्राहम को यूरोलॉजिस्टिक्स के विकास में प्रतिबद्धता के लिए उनको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हिंदू फोबिया पर प्रस्ताव पारित करने वाले जॉर्जिया किस देश का पहला राज्य बन चुका है। तो हिंदू फोबिया पर प्रस्ताव पारित करने वाले जॉर्जिया किस देश का पहला राज्य बन गया, ये है अमेरिका देश का। ठीक है, अमेरिका देश का है एक राज्य है जॉर्जिया। ठीक है, ये जॉर्जिया है, ये हिंदू फोबिया पर प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका देश का पहला राज्य बन चुका है। देखो, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने असेंबली में हिंदू फोबिया और हिंदू धर्म के विरोधियों की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। हिंदू धर्म दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने धर्मों में से आपको पता है एक है, और हिंदू धर्म के दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 100 करोड़ से ज्यादा अनुयायी भी हैं। तो सबसे ज्यादा आपको पता है हिंदू धर्म के अनुयायी है वो 100 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर आपको पता है अनुयायी रहते हैं। लेकिन हिंदू फोबिया का मतलब क्या है, हिंदू धर्म के विरोधियों की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया, किसमें, तो अमेरिका राज्य के अंदर एक है राज्य है जॉर्जिया, वो हिंदू फोबिया पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन चुका है। अगला प्रश्न, देखो, किस संगठन ने आर्टेमिस द्वितीय चंद्रमा मिशन के लिए पहली महिला और अश्वेत पुरुषों का चयन किया है। किस संगठन ने आर्टेमिस द्वितीय चंद्रमा मिशन के लिए पहली महिला
और अश्वेत पुरुष का चयन किया तो ये किया है नासा ने। ठीक है, किसने किया है? नासा ने। एक दो दिन पहले ही मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे कि नासा ने आपको बताया जून 2023 के अंदर चार व्यक्तियों को चंद्रमा मिशन के लिए भेजने के लिए तैयार कर लिया है और ये चार व्यक्ति हैं, ये इनको भेजा जाएगा जिसमें एक महिला भी शामिल है। ठीक है, इसका महिला भी इसमें शामिल है और महिला का नाम है, इनका नाम है क्रिस्टिना कोच। ठीक है, महिला का नाम क्रिस्टिना कोच है, बाकी ये तीन पुरुष हैं। इन चार व्यक्तियों को आर्टिमिस वन यानी कि द्वितीय चंद्रमा मिशन के लिए भेजा जाएगा। अब ये तस्वीर आप यहाँ पे चारों व्यक्तियों की आप देख सकते हो। देखो मुख्य तथ्य, नासा ने उन चार अंतरिक्ष यात्रियों के नाम जारी किए जो मानवों को आर्टिमिस द्वितीय चंद्रमा मिशन पर ले जाएंगे। इसमें पहली बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री, एक तो है क्रिस्टिना कोच, एक इसमें काले अंतरिक्ष यात्री विक्टर ग्लोवर, एक या दो अन्य व्यक्ति इसमें रीड वाइसमैन और जेरेमी हेसन के साथ चंद्रमा मिशन का हिस्सा ये होंगे। तो इसमें चार व्यक्तियों के आपको ये नाम आपको याद रखने हैं। एक तो इसमें महिला का नाम हो गया क्रिस्टिना कोच, एक इसमें है विक्टर ग्लोवर, एक दो अन्य व्यक्ति इसमें कौन है, रीड वाइसमैन और एक जेरेमी हेसन। तो ये चार व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 के अंदर नासा की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय है। तो ये पूरी डिटेल आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कैप्टिव नियोक्ता योजना शुरू की है? किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कैप्टिव नियोक्ता योजना शुरू की? ये की है हमारे जो गिरिराज सिंह है केंद्रीय मंत्री, उनके द्वारा ये योजना शुरू की। कौन से? गिरिराज सिंह के द्वारा। देखो, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत एक नवाचारी कैप्टिव एम्प्लॉयर पहल का शुभारंभ नई दिल्ली में किया है। तो उन्होंने क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत उन्होंने एक नवाचारी कैप्टिव एम्प्लॉयर पहल का जो शुभारंभ है नई दिल्ली में अंदर किया है। किसने? हमारे कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, किस देश की कंपनी नॉर्लैंड ने दुनिया की पहली फेरी का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? और ये किया है, ध्यान रखना, ये है नॉर्वे की। ठीक है, नॉर्वे देश की एक कंपनी है नॉर्लैंड, इसने दुनिया की पहली फेरी का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यानी कि एक हवाई जहाज, यानी कि जो जल के अंदर जहाज चलते हैं बोट है, उनमें एक सफलतापूर्वक फेरी का लॉन्च किया है। कौन से देश में? नॉर्वे देश में। नॉर्वेजियम कंपनी नॉर्लैंड ने दुनिया की पहली फेरी का सफलतापूर्वक लॉन्च किया जो तरल हाइड्रोजन पर है चलती है। किस पर है? तरल हाइड्रोजन पर यह चलेगी और इस जहाज का नाम है MF हाइड्रा। इसका नाम आपको याद रखना है, MF हाइड्रा, जो हाइब्रिड है, जो बैटरियों और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग करती है। तो ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजन पर चलती है, इसका नाम है MF हाइड्रा और ये नॉर्वेजियन की कंपनी नॉर्लैंड ने इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, किस संगठन ने ओशन सेट 3 द्वारा ली गई शानदार पृथ्वी की तस्वीरों का अनावरण किया है? तो ये किया है इसरो ने। ठीक है, इसरो संगठन ने, इसरो संगठन का है ये, क्या नाम है इसका? ओशन सेट 3। तो इसके द्वारा ली गई शानदार पृथ्वी की तस्वीरों का अनावरण किया गया है। देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है EOS-6, ठीक है, जिसे ओशन सेट 3 भी कहा जाता है, इसके द्वारा ली गई पृथ्वी की शानदार तस्वीरों का अनावरण किया गया है। और ये ओशन सेट 3 है, ये एक नैनो सैटेलाइट है जो इसरो ने नवंबर 2022 में इसको लॉन्च किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार ये एग्जाम में इस तरह के नाम भी आपको पूछ लिए जाएंगे, EOS-6 या ओशन सेट 3, ये किस संगठन से संबंधित है या किस संगठन का है? तो ये ध्यान रखना, इसरो के द्वारा ये इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 2022 के, और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस ए सोमनाथ। और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल रही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो लगभग हमारे 10,000 प्लस हमारे विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर जुड़े हुए हैं, तो शाम तक आपको इसकी PDF भी टेलीग्राम पर मिल जाती है। अब देखो, आपके लिए पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, स्टार स्पोर्ट्स ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया है रणवीर सिंह को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो, आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया? गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो, आपके लिए डोज क्या थी, पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? क्या है? किस राज्य में नहीं है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी?
तो ये थी अमृता कौर और अशोक का शाहबाजगढ़ी और मानसेरा प्रांत अभिलेख कौन सी लिपि में है, तो ये है क्रोष्टी लिपि में। इनके भी बहुत सारे विद्यार्थी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और शानदार तरीके से आप जवाब देते हैं। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज क्या है। संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया, इसमें सन बताना है आपको। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र कितने दिन में पूरा करता है और नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस पुरातत्विक स्थल से प्राप्त हुई है, इन तीनों क्वेश्चनों की आपको शानदार तरीके से आपको जवाब देने हैं। और लगातार आपको हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर लगातार आपको टेस्ट चल रही है, इसके बाद में हमारे मैंने पिछले 8 महीनों का एक करंट की क्लास भी आपको दे दी, जिसमें जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक पूरे 8 महीनों का निचोड़ का एक वीडियो आपको दे दिया। उसके बाद में ई और आर ओ एग्जाम के लिए हमारी ऐप के अंदर ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, लगभग आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगातार आपको डाली जा रही है मात्र ₹50 के अंदर और 1 साल की वैलिडिटी है। जरूर ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को आप परखिए। उसके बाद में विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल भी टेस्ट सीरीज चल रही है और इसमें आपको भारत के संविधान से संबंधित भी आपको पॉलिटिकल यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी लगातार आपको मिलेगी। उसके बाद में आल एग्जाम 2023 की भी हमारी टेस्ट सीरीज जनवरी 2023 से दिसंबर 2023, इसमें आपको जनवरी फरवरी मार्च की पिछले अभी 3 महीनों की टेस्ट सीरीज इसमें मंथली वाइज आपको मिल चुकी है ₹50 के अंदर, 1 साल की वैलिडिटी है। जरूर ज्वाइन कीजिए और आपको यहाँ पे पीडीएफ भी फ्री मिल रही है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए आनंद के साथ और टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना, लगातार आपको मेरी डेली आपको 6 बजे क्लास है मिलती रहेगी और बहुत जल्दी आपके लिए पिछले 3 महीनों की एक महामैराथन क्लास जिसमें जनवरी फरवरी और मार्च की आपको क्लास कल तक हो सकता है मिल जाएगी। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद जय भारत।